नमस्कार बच्चों, चलिए अध्ययन करते हैं आज कक्षा आठवीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ सात भारतीय गणतंत्र की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड या अंग्रेज सरकार यह समझ चुका था कि अब भारत में उसका राज नहीं चलेगा, इसलिए वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली को 1946 में यह घोषणा करना पड़ा कि हम जल्द ही भारत छोड़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट के तीन मंत्रियों को अंतरिम सरकार बनाने और संविधान गठित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने हुए व्यक्तियों और भारतीय रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत व्यक्तियों शामिल होंगे, इसे कैबिनेट कहते हैं। अब उसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार 1946 में बनी। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने दिसंबर 1946 ईस्वी में अपना काम शुरू कर दिया। बच्चों, लेकिन मुस्लिम लीग तथा राजाओं ने उसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही भारत का विभाजन करना नहीं चाहती थी, किंतु लीग अपनी मांग पर जोर देने लगी। वह पहले अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी, मगर बाद में अंतरिम सरकार में शामिल होकर उनके कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी। इस प्रकार बच्चों, अब मुस्लिम लीग हर कीमत पर पाकिस्तान चाहने लगी, इसलिए उसने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। सीधी कार्यवाही दिवस घोषित करने के कारण बंगाल, बिहार, मुंबई आदि स्थानों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों से हिंदू मुस्लिम में भयंकर मारकाट हुई। इन दंगों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कोई विशेष प्रयास नहीं किए। इस प्रकार कुछ ही महीनों में बहुत से लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। परंतु इस समय छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ शांति स्थापित थी, जो यहाँ की जनता के भाईचारे का प्रतीक है। सांप्रदायिक दंगों से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और शांति स्थापना के प्रयास किए। और इस प्रकार जब स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब ऐसे वातावरण में मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने दोनों संप्रदायों के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। इसके पश्चात उन्होंने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान निर्माण की योजना प्रस्तुत की। प्यारे बच्चों, कांग्रेस शुरू से ही भारत की एकता और अखंडता चाहती थी, मगर उसने हिंदू मुस्लिम के आपसी झगड़े का अंत करने के लिए भारत विभाजन को न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिए। इस प्रकार पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बना। आप मानचित्र में भी देख सकते हैं, जो हरे रंग में आपको दिख रहा होगा वह पाकिस्तान का हिस्सा है। जैसे पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान लिखा हुआ है और पश्चिमी, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान लिखा हुआ है। अखंड भारत का विभाजन भारतीयों के लिए अत्यंत दुखद घटना थी। विभाजन के बाद भी विभिन्न स्थानों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, विशेषकर पंजाब और बंगाल में। यह दंगे अविश्वास का वातावरण बनाते हैं, इनसे धन और जन की हानि होती है, यह समाज के विकास में बाधक होते हैं। इसीलिए विभिन्न धर्म के लोगों को हमेशा आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमारे सामने विभिन्न समस्याएं आई, जैसे
भारत विभाजन से कई आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई। जूट और सूती कपड़े के अधिकांश कारखाने भारत में रह गए, मगर जूट और कपास उत्पादन के अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। इससे जूट और सूती कपड़े के कई कारखाने बंद हो गए। गेहूं, चावल और सिंचाई के अधिकतर क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। इससे कुछ दिनों तक भारत में अन्न का अभाव भी रहा। अब विभाजन के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड के संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया। इसमें व्यवस्था थी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र का रूप ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद उन पर इंग्लैंड का कोई अधिकार नहीं रहेगा। बच्चों, और इस तरह 14 अगस्त की आधी रात के बाद जब 15 अगस्त 1947 की तारीख शुरू हुई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा, भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ। संविधान सभा स्वतंत्र भारत के संसद के रूप में काम करने लगी। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त की सुबह दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। संपूर्ण देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में तत्कालीन खाद्य मंत्री आर के पाटिल ने तिरंगा झंडा फहराया और इस प्रकार नए भारत के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। अब स्वतंत्र भारत के सामने कई तत्कालिक कार्य थे। पहला कार्य था देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना। 1947 में अंग्रेजों द्वारा सीधे तौर पर शासित होने वाले इलाकों के अलावा करीब 550 से ज़्यादा स्वतंत्र देसी रियासत थी जहां अंग्रेजों का शासन नहीं था। स्वतंत्रता की घोषणा के समय यह व्यवस्था हुई थी कि इंग्लैंड से भारत के स्वतंत्र होने के साथ साथ सभी देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएगी। यह निर्णय इनके हाथ में था कि यह स्वतंत्र रहेगी अथवा भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ रहेगी। लेकिन इन रियासतों के स्वतंत्र बने रहने से भारत की एकता एवं सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। इसलिए देसी रियासतों के विलय का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और इस प्रकार सरदार पटेल छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलय हेतु दिसंबर 1947 ईस्वी में नागपुर भी आए। उनके समझाए जाने से यहाँ के कुल 14 रियासतों का भारत में विलय हो गया। कवर्धा, शक्ति एवं छुई खदान का विलय वहाँ की जन आंदोलन के बाद हुआ। इस प्रकार सरदार पटेल की सूझबूझ के कारण भारत की कुल 562 देसी रियासतों में से अधिकांश रियासतों ने स्वतंत्रता पूर्व वहीं भारत में विलय स्वीकार कर लिया था। इसी सोच के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अब उनके सामने जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय शेष था। जूनागढ़ रियासत का विलय, आप मानचित्र में जूनागढ़ रियासत को देख रहे हैं। जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत थी। वहाँ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, परंतु जूनागढ़ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। अतः नवाब पाकिस्तान भाग गया और इस प्रकार फरवरी 1948 में जूनागढ़ भारत में विलीन हो गया। कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था, परंतु वहां की जनता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में विलय की मांग कर रही थी। जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रोत्साहन से सशस्त्र घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर भारतीय सैनिकों की मदद से उन घुसपैठियों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया। हैदराबाद का विलय, आप मानचित्र में हैदराबाद रियासत को देख रहे हैं। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के बहकावे में आकर स्वतंत्र ही रहना चाहता था, परंतु वहाँ की जनता स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में
हैदराबाद का भारत में विलय की मांग कर रही थी। इनकी मांग को दबाने के लिए निजाम द्वारा उन पर अनेक अत्याचार किए गए। अंततः भारतीय सैनिकों द्वारा निजाम के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई और हैदराबाद रियासत भारत में विलीन हो गया। इस प्रकार से हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ तीनों रियासतों का हमारे भारत में विलय हो गया। अब नए संविधान का निर्माण हुआ। इस बीच संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के प्रारूप बनाने का कार्य 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप प्रदान किया गया, मगर इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इस प्रकार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राष्ट्रवाद बन गया। इसलिए तब से यह दिन गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवता तथा लोकतंत्र के राष्ट्रीय मूल्यों को स्वीकार किया था। उन्हें हमारे संविधान में महत्व दिया गया। हमारे संविधान में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर नियमों का संकलन किया गया, जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई एवं हमारे संविधान का निर्माण किया गया। आइए अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। आपको खाली स्थान पूर्ण करना है। पहला, सत्ता हस्तांतरण संबंधी 3 ब्रिटिश मंत्रियों की समिति को खाली स्थान कहा गया है। दूसरा, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन खालिस्तान के नेतृत्व में हुआ था। तीसरा, संविधान सभा संविधान निर्मातृ समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे। चौथा, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे। पांचवा, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री खालिस्तान थे। छठवा, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय खालिस्तान थे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कैबिनेट मिशन क्या है? दूसरा, अंतरिम सरकार की स्थापना कैसे हुई? तीसरा, माउंटबेटन योजना क्या है? चौथा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? पांचवा, देसी रियासतों का विलय क्यों किया गया? और छठवा, भारतीय गणतंत्र की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सबको भारतीय गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई समझ में आया होगा। अब मिलते हैं एक नए अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।